नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं कैनन का X11 प्रोफेशनल कम कोडर, जो मिड रेंज में जो 1 लाख के बजट के अंदर में आ जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम फुल रिव्यू करते हैं। सबसे ऊपर पहले बात की जाए तो इसके अंदर पहला जो ये यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप जो ये 1 नंबर का बटन देख रहे हैं, ये मैन्यूअल फोकस और ऑटो फोकस के लिए दिया हुआ है, जिससे आप ऑटो में आपका पूरा वेडिंग आप यूज कर सकते हैं। इसका ऑटो फोकस की बात की जाए तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया है। और दूसरा नंबर का आप जो देख रहे हैं, ये प्री रिकॉर्डिंग के लिए दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ इंफ्रारेड, जो आप लो लाइट में अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं कोई ऐसे जंगलों में, जैसे कि आपने देखा होगा डिस्कवरी पे, तो ये यहाँ पर ये इंफ्रारेड का दिए बटन दिया हुआ है कैनन का। और यहाँ पर कार्ड स्लॉट का दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास स्लॉट और सेकंड क्लास स्लॉट, तो 2 कार्ड स्लॉट दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप की देख रहे हैं तो ये डिस्प्ले के लिए दिया हुआ है, और यहाँ पर बैक बटन के लिए दिया हुआ है। सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिखेगा कैमरा, फिर यहाँ पर ऑफ और मीडिया। मीडिया पर जाएंगे तो आप इसके अंदर के सारे वीडियो आप देख पाएंगे, कैमरा पे आप कैमरा ऑन कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और ये इंडिकेटर पावर चार्जिंग का है, अगर कैमरा आपका ऑन रहेगा तो ये ग्रीन LED ऑन रहेगी। तो यहाँ पर आप बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर फोकस का दिया हुआ है, यहाँ पर फोकस और ये जूम। अगर आप इसको नीचे करेंगे तो आप रिंग, जो फोकस रिंग दी हुई है वो जूम की काम करेगी, अगर आप ऊपर करेंगे तो फोकस का काम करेगा। और इसके नीचे आप ये जो बटन देख रहे हैं, ये 1 से लगाकर 2, 3, 4 और 5, इसको आप कस्टम बटन बना सकते हैं। कोई भी आप वाइट बैलेंस, शटर स्पीड, एपर्चर, कुछ भी आप इसके अंदर सेट करना चाहते हैं तो आप फंक्शन बटन में जाकर अंदर से आप मैन्युअली सेट कर सकते हैं, किसी को भी कस्टम बटन बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा गुड ऑप्शन है। और ये इसका व्यू फाइंडर है, जिसकी बात की जाए यहाँ पर ये आई के लिए दिया हुआ है, कम ज़्यादा जैसा आप साथ देखना चाहे तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये रेड बटन रिकॉर्डिंग के लिए है, यहाँ पर एक फंक्शन की दी हुई है फंक्शन के लिए, और यहाँ पर सेट ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। सबसे ऊपर आप बात करेंगे जाए तो यहाँ पर फुल ऑटो पे दिया हुआ है, और मैनुअल और सिनेमा 3 कस्टम की दी हुई है। और ये ऊपर हैंडल दिया हुआ है ये ऑडियो के लिए। और जूम की बात की जाए तो इसके अंदर 20x डिजिटल जूम है जो क्लियर देता है, और 400x डिजिटल जूम है जो बहुत ही ज़्यादा जूम है। दोस्तों, इसके हम आगे सैंपल वीडियो देंगे और उसके अंदर बताएंगे आपको ये कितना जूम दे जा रहा है इसके अंदर। और यहाँ पर ये कस्टम की दी हुई है, इसे आप शटर स्पीड, ISO, अपर्चर मैन्युअली सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फंक्शन की, इस फंक्शन की को आप सेट करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम मोड, TV मोड, ये जो शटर प्रायोरिटी मोड DSLR में आते हैं उसी को बोलते हैं TV मोड, और एपर्चर प्रायोरिटी मोड है, और मैनुअल मोड, और जो लास्ट में दिया ये मैनुअल प्रीसेट है जिसमें आप पोर्ट्रेट, स्नो, स्पोर्ट्स, अलग अलग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैनुअल मोड में बता रहा हूँ, मैनुअल मोड में आप कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैनुअल मोड जैसे मैंने ऑन कर दिया, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एपर्चर है, तो इसका मिनिमम एपर्चर है वो दोस्तों 2.8 है, सॉरी 1.8 है, जो लो लाइट के लिए बहुत ही अच्छा कैमरा है दोस्तों। इसका मिनिमम एपर्चर है वो 1.8। और शटर स्पीड दूसरा जो की है, आप यहाँ पर टच करके डायरेक्ट ही शटर स्पीड चेंज कर सकते हैं। और नीचे ISO के लिए दिया हुआ है। अब हम बात करेंगे कि हम डायरेक्ट स्क्रीन पे कैसे हम शटर स्पीड, ISO, एपर्चर तीनों सेट कर सकते हैं। तो
भी मैंने मैन्यूअल मोड में डाल दिया। अब आप देख रहे हैं कि एपेचर है वो है 1.8 और शटर स्पीड 2000 के आसपास 6 dB। अब कस्टम की को एक बार प्रेस करेंगे तो एपेचर, अब जो आप नीचे रिंग देख रही है इस रिंग को घुमा के आप आसानी से एपेचर सेट कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से प्रेस करेंगे तो शटर स्पीड भी आ जाएगा, फिर शटर स्पीड आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से कम ज़्यादा। इसमें जो मैक्सिमम शटर स्पीड है वो 2000 की है और इसके बाद में DB जिसको ISO बोलते हैं इसको आप एक बार प्रेस करके आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर और फंक्शन की बात की जाए वाइट बैलेंस की, इसके नीचे वाइट बैलेंस दिया हुआ है जिसको आप, इसके अंदर ऑटो वाइट बैलेंस है, सनसेट है, केल्विन भी दिया हुआ है, यहाँ से आप प्रेस करके केल्विन सेट कर सकते हैं जैसा आप चाहें। यहाँ पर सेट 1 दिया हुआ है, अगर आप इसको टच करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कैमरा वाइट बैलेंस चेक कर लेगा, कैमरा अपने आप वाइट बैलेंस सेट कर लेगा। उसके बाद में मैं बात की जाए इसके फंक्शन के अंदर, ये ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस, ऑडियो के लिए दिया, जूम के लिए, इमेज इफेक्ट, तो यहाँ पे आपको, तो यहाँ पर 3 मोड दिए हुए, स्टैंडर्ड दिए हुए, हाईलाइट प्रो क्लैरिटी दिए हुआ है और वाइट VR। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वाइट DR पे रखें जो आपको हाईलाइट और शेडो और ओवर एक्सपोज को बराबर मिला के आपको बहुत ही अच्छा वीडियो बना के देता है। तो इसके अंदर ये 3 चीज़ें बहुत ही अच्छी मुझे लगी, इसके अंदर आप वाइट DR को रखें अगर आप ये कैमरा परचेज करने जा रहे हैं और फ्यूचर में अगर आपके पास अगर ऐसा कैमरा है तो आप इसको वाइट DR पे वीडियो शूट करें तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके बारे में बात की जाए, एक बार फंक्शन की करेंगे, एक बार और दबाएंगे तो इसके अंदर डिजिटल जूम है, जूम दिया हुआ और 400x फुल जूम दिया हुआ है। यहाँ पर जूम स्पीड दी हुई है, जूम स्पीड कंट्रोल लेवल, हैंडल जूम के लिए स्पीड, हाई स्पीड जूम, ऑटो फोकस मोड, ऑफ रखना चाहते फेस डिटेक्शन दिया हुआ है, ट्रैकिंग दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे इस कैमरे में। फ्लिकर रिड्यूसन, ND फिल्टर इसके अंदर इनबिल्ट है जो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। अगर आप प्रोग्राम मोड और एपर्चर प्रायोरिटी मोड में शूट करते हो तो ND फिल्टर ऑटोमेटिक वर्क करने लगते हैं। मैनुअल भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर बात की जाए वीडियो फाइल फॉर्मेट MP4 और AVC HD दो टाइप के दिए हुए, अगर आप AVC HD में शूट करते हैं तो इसकी जो हाईएस्ट MBPS स्पीड है वो 28 MBPS आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। और अगर MP4 की बात की जाए तो MP4 में आप 35 MBPS आप शूट कर सकते हैं। यहाँ पर रिकॉर्डिंग मीडिया है, कौन सा कार्ड आप कौन से कार्ड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, फ़ोटोज़ कौन से में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे ड्यूअल और रिले रिकॉर्डिंग का दिया हुआ, आप दो कार्ड में शूट करना चाहे तो भी कर सकते हैं एक साथ में, और रिले मोड में आप ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिक दूसरा कार्ड में रिकॉर्डिंग होना चालू हो जाएगा। स्लो और फास्ट मोशन दिया हुआ है, आप स्लो और फास्ट मोशन कर सकते हैं 2x तक, वो भी 50 FPS। कलर बार है, फाइल नंबरिंग है, जेब्रा है, यहाँ पर आप मेमोरी का स्पेस देख सकते हैं, इंटेलिजेंट आप कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर लैंग्वेज और LCD ब्राइटनेस, बैकलाइट, LCD मिरर इमेज, व्यू फाइंडर की बैकलाइट आप सेट कर सकते हैं, हेडफोन का वॉल्यूम है, नोटिफिकेशन, कस्टम डायल और बटन की इसमें आप अपने हिसाब से
एडजस्ट कर सकते हैं कोई किसी भी। यहाँ पर कस्टम ऑप्शन दिए हुए पांच बटन दिए जिसमें से आप कुछ कोई भी फंक्शन आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कोई भी फंक्शन डायरेक्ट आप, जैसे इमेज इफेक्ट है, जूम है, वाइट बैलेंस है, किसी भी पांच फंक्शन को आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं इसी में आपको सैंपल फुटेज दिखा रहा हूँ कि इसकी क्वालिटी। अभी जो आप देख रहे हैं वो कैनन X11 की। मैं गाना गाते एक बार बहुत ही अच्छा आप ब्लर कर सकते हैं इस कैमरे से। 1.8 अपर्चर दिया हुआ है, लो लाइट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस का ज़्यादा रहा नेड़ो आए सर खाली तो फ्रेम और दोस्तों इसमें बड़ी बात की जाए तो इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजर दिया हुआ है।